अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय का किया घेराव, वीसी को सौंपा ज्ञापन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापकों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को कुलपति कार्यालय का घेराव किया। हम आपको बता दें कि 26 जून 2018 के आदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव वीरन सिंह भलावी ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भेजे पत्र में अतिथि प्राध्यापकों को प्रतिदिन 1500 रुपये या कि न्यूनतम 30,000 रुपये देने, प्राध्यापकों की अवधि 12 माह करने और पुराने अतिथि के रहते नए ना रखने की बात कही थी, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उच्च शिक्षा का आदेश नहीं माना गया, जिससे नाराज अतिथि प्राध्यापकों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर वीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्वविद्यालय कुलपति केएन सिंह यादव ने मांगों पर लीगल ओपिनियन लेने की बात कही। अतिथि विद्वानों ने देर शाम तक कुलपति कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से कुलपति देर शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। ये अभी माननीय कुलपति जी जो कह रहे हैं कि आज मैं चित्रकूट से लौट के आया और आज ही ये लोग आ गए, ये बात पूर्ण रूप से असत्य है। हम लोग 29 तारीख को विधिवत ज्ञापन आकर के माननीय कुलपति जी को दिए हैं, उनसे निवेदन किए हैं कि ये हमारी 2 मांगे हैं जो राज्य सरकार ने मान ली है, उसको आप भी अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दीजिए। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम 1-2 दिन में विचार करके और उसको करेंगे जैसा भी होगा। 29 तारीख से लेकर के आज 4 तारीख हो गई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे ज्ञापन पर नहीं की गई, तो उस पर मजबूर होकर के हम लोगों को आज यहाँ आकर बैठना पड़ा। उसके बाद भी हम लोग आए तो पहले हम लोगों ने निवेदन किया कि ये 2 सूत्री मांगे हमारी हैं, पहला तो 1 से 7 तक ज्वाइनिंग है, राज्य सरकार का आदेश आ गया तो आप ज्वाइनिंग करा लीजिए, और जो 30,000 न्यूनतम वेतनमान और 1500 रुपये पर डे का वेतनमान है वो हम लोगों को स्वीकृत कर दीजिए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। यदि आपकी मांग पूर्ण नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम कुछ भी हो सकता है, ये मैं अभी स्वयं नहीं जानता कि मेरा अगला कदम क्या होगा, लेकिन चरम उत्कर्ष तक कदम होगा। जो भी कदम हमको उठाना पड़ेगा शिक्षकों के हित में वो हम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में ताला बंद करने का हो, चाहे अतिथि शिक्षकों को फांसी पर झूलने का हो, चाहे आत्महत्या करने का हो, मतलब जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, लेकिन ये अपनी जो हमारी 2 न्यायोचित मांगे हैं इन मांगों को हम ले करके रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। बाद लोग अपॉइंटमेंट लेटर चाहते हैं, गेस्ट फैकल्टी इन्विटेशन दिया जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनवाइट किया जाता है, हर साल एडवर्टीजमेंट इधर से हो रहा था, एक बार आए कि इस साल जो है चूँकि राज्य शासन ने एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, गेस्ट फैकल्टी को जो है रिपीट कर देगा, इस साल आप भी मत करिए। मैंने इसको जो है कोऑर्डिनेशन में उठाया, कोऑर्डिनेशन में आगे विश्वविद्यालय जो विधिक राय लेकर के काम करे, हम विधिक राय लेने वाला हूँ, जो विधिक राय जो आता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। विश्वविद्यालय में हम 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं और 6 साल हम यही अध्यापन का काम भी किए हैं, कभी सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता था, कभी नहीं हुआ, लेकिन इस साल हमारे यहाँ 15 जून से 15 जुलाई तक का निकला है, जबकि जुलाई 1 जुलाई से सेशन प्रारंभ करने का दिन है, मतलब कक्षाएं चालू होने का आदेश भी शासन का आ चुका है कि मतलब 2 जुलाई से कक्षाएं लगाई जा सकती है, बच्चे फीस भर चुके हैं और हमारे यहाँ कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। हमारी 2 जुलाई को हमारे सब छात्र हमारे आए हुए थे।